हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एशटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे हाइपरलूप के बारे में। आपने इस हाइपरलूप कंसेप्ट के बारे में सुना ही होगा या फिर इसके बारे में कोई वीडियो देखे ही होंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में थोड़ा सा तो इसके रिलेटेड डाउट होगा। तो आज इस वीडियो में आपको इस हाइपरलूप कंसेप्ट की बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, इतने आसान शब्दों में कि आपको समझ में तो आ जाए। और फिर इस वीडियो में आज हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है कि हाइपरलूप काम कैसे करता है, फिर इसके पीछे किसका दिमाग था, फिर ये हमारे करंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे बदल के रख देगा, और ये करंटली इंडिया में कहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाले। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हो तो आप अगर 30 से 50 मिनट में ही दिल्ली पहुँच जाओगे, अगर आप मुंबई से निकले हो तो शायद ही आप मुझ पर यकीन करोगे। और अगर हाइपरलूप की मैं बात करूँ तो हाइपरलूप एकदम पूरा अनरियलिस्टिक और एक साईफाई सा कंसेप्ट लगता है। जैसे आज हम आयरन मैन का सूट अगर बात करेंगे तो वो पूरा एक साईफाई कंसेप्ट हुआ, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है। और अगर हाइपरलूप में अगर ऐसा देखा जाए तो ये उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि ये भले ही साईफाई सा कंसेप्ट लगता हो लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है और ये हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो वो क्या चीज़ें जो हमें हाई स्पीड पाने से रोकते हैं? एक तो एयर रेजिस्टेंस और दूसरा है फ्रिक्शन। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आज के हमारे जो करंट रेल सिस्टम है तो जो पटरियों और व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उससे बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस के कारण हमें वो हाई स्पीड नहीं मिल पाती जो हमारे ट्रेन का इंजन कैपेबल है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हाइपरलूप इस्तेमाल करता है मैग्नेटिक लेविटेशन का, जो हमने मैग्नेट में देखा था। अगर हम किसी मोटर के रोटेशन को अगर हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दे तो इसे हमें फॉरवर्ड मोशन हासिल होता है। और हाइपरलूप में हम वैसे भी मैग्नेट्स का यूज़ करता है जो पॉड्स को ऊपर उठाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए भी मदद करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉड्स रहते हैं और ग्राउंड के बीच में कोई संपर्क नहीं रह पाता और ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड में चल पाती है। जो दूसरा जो रीज़न मतलब हाई स्पीड पाने से रोकता है वो है एयर रेजिस्टेंस। तो इसका हल है मेटल ट्यूब्स। अगर हम किसी भी मेटल ट्यूब में से अगर हवा खींच देते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई वैक्यूम क्रिएट होता है तो पॉड्स अगर उसमें से जाएंगे तो उन्हें एयर रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके वजह से भी ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड में चलने के लिए काबिल बन जाती है। तो अगर हम इस एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को अगर हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें तो हमें वो एनवायरनमेंट मिल जाता है जो एरोप्लेन फेस करते हैं जब वो हवा में ट्रेवल करते हैं। सो अगर इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप पॉड से ट्रेवल करते हो तो इसका मतलब यही है कि वो इक्विवेलेंट है एरोप्लेन में ट्रेवल करने के बराबर। इस बेहतरीन कंसेप्ट के पीछे दिमाग था एलन मस्क का। 2012 में उन्होंने इस हाइपरलूप कंसेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। इनिशियल हाइपरलूप कंसेप्ट बहुत ही अलग थे आज के मॉडर्न हाइपरलूप कंसेप्ट से। इनिशियल हाइपरलूप में अगर सामने की तरफ एक कंप्रेशन फैन लगा होता था पॉड्स के सामने, वो एक कंप्रेशन फैन ट्यूब में से हवा खींचता था और वो पॉड्स के नीचे फेंकता था। इससे पॉड्स के नीचे से एक हवा का कुशन बन जाता था और वो हवा में उड़ पाते थे और इससे वो आगे भी बढ़ते थे। एलन मस्क ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हाइपरलूप की कंसेप्ट प्योरली ओपन सोर्स होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंसेप्ट में कोई अगर योगदान देना चाहते तो आप दे सकते हैं बिना एलन मस्क के इंटरव्यू के। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन था। जो प्रीवियस जो हाइपरलूप कंसेप्ट थे उसमें दो बुनियादी बदलाव किए गए हैं। एक तो है कि मैग्नेटिक लेविटेशन जो मैंगलोर में मिलता है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, और जो दूसरा था वो ट्यूब में से पूरी हवा बाहर खींच के उसमें एक वैक्यूम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉड्स जितने कम एयर रेजिस्टेंस फेस करेंगे सामने की तरफ से उतने ही हमें ज़्यादा हाई स्पीड मिलने की चांसेस रहेंगे। अगर आप मुंबई में रहते हो अगर आपकी नौकरी कहीं दिल्ली में लगती है तो आप नॉर्मली क्या करोगे? एक तो आप दिल्ली में तो शिफ्ट हो जाओगे, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, मतलब आप मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू मुंबई ऐसे ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो दूसरा तरीका है वो इतना कारगर नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब आप ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा हो गए, मतलब आपका खर्चा ही बहुत ज़्यादा होगा रोज़ अप डाउन करने में। तो अगर हम एक हाइपरलूप ट्रेन बना दी जाए
मुंबई से दिल्ली तक, तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि आप नॉर्मली 20 से 40 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हो। मतलब आप एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि आप एक हाथ में सॉरी अगर एक हाथ में आप कॉफ़ी लिए, फिर आप आते हो, मतलब सुबह उठते हो, फिर आप तैयार होके अच्छे से ऑफिस के लिए निकलते हो और आपके नज़दीकी हाइपरलूप स्टेशन पे जाते हो। तो इस हाइपरलूप स्टेशन को हम पोर्टल्स कहते हैं। तो पोर्टल्स आप पहुँचते हो, वहाँ से आप हाइपरलूप ट्रेन पकड़ते हो और मैं 20 से 40 मिनट में आप दिल्ली पहुँचते हो। फिर वहाँ से आपका पूरा जो डेली रूटीन है, अगर आपका कोई 8 आवर्स की शिफ्ट है, वहाँ से काम कंप्लीट करके आप वापस रिटर्न आते हो और उसमें भी 20 से 40 मिनट, तो आप सोचिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान बन जाएगी। और हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करना आपको बहुत ही सस्ता भी पड़ सकता है, क्योंकि हाइपरलूप को बनाना और उसका मेंटेनेंस करना बहुत ही कम होता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन को चलाना सस्ता इसलिए है क्योंकि हाइपरलूप बहुत ही कम एनर्जी इस्तेमाल करता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे चलता है। तो इससे आप मतलब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मतलब जो नॉर्मली हमें बहुत ही अवेलेबल फॉर्म में मिलती है, मतलब इसका कोई रिजर्व नहीं होते। तो एक तो ये पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बन जाता है और कम एनर्जी इस्तेमाल करके हमें एनर्जी की बचत भी होती है और हमें ट्रांसपोर्टेशन में हाई स्पीड भी मिल पाती है। और अगर आप मान नहीं पाओगे मेरे बात पे कि थियोरेटिकली हाइपरलूप कैन अचीव अ स्पीड ऑफ अराउंड 1200 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब ये ट्वाइस द स्पीड है जो मैगलेव अचीव करती है। मतलब ये थियोरेटिकल है, आज तक इसका प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता ये कितना अचीव हो पाया है। सो ये ही था पूरे इस हाइपरलूप के कंसेप्ट में। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप उस बेल आइकन तो आप उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और आज का मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा जो आज का हाइपरलूप का टॉपिक है वो समझ में तो आ रहेगा, मतलब एटलीस्ट आपके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे हुए रहेंगे। सो मैं हूँ आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे थे एशिया यूट्यूब चैनल, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।